हाँ जमाल, आज मेरी याद कैसे आ गई? यार, एक मशवरा करना सोचा तुझसे कर लूं। मशवरा? हैरत है मुझे, इतना बड़ा बिजनेसमैन है तू, मुझसे मशवरा लेगा? बात बिजनेस की नहीं है, मेरी जिंदगी की। क्या बात है यार, अगर मैं कहूं कि मैं शादी करना चाहता हूं तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी यार। मेरे भाई, शाहीना भाभी के इंतकाल के बाद कई साल हो गए हैं तुम्हें बिल्कुल तनहा जिंदगी गुजार रहे हो। तुम्हें बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा मशवरा दिया लेकिन तुम हमेशा मुझे टाल दे रहे। हाँ यार, लेकिन पहले की बात और थी। अब मैं अरिश्मा की शादी कर चुका हूँ और कुछ अरसे में निमरा भी अपने घर की हो जाएगी। मैं तो बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। फिर तो फौरन तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ठीक कह रहा है यार, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अरिश्मा और निमरा को ये बात बुरी ना लगे। जहां तक मैं समझता हूँ, तुम्हारी दोनों बेटियां बहुत समझदार हैं, बड़ी सेंसिबल बच्चियां हैं। वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगी, बिल्कुल माइंड नहीं करेंगी। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे एक बात बता, कोई नजर में है? हाँ है तो सही, लेकिन लेकिन क्या? ओ, उम्र में मुझसे बहुत कम है। क्या रिश्मा से भी छोटी है? नहीं, ऐसा भी नहीं। हाँ तो फिर क्या टेंशन है, क्यों इतना सोच रही हो? मैं तो कहता हूँ इस नेक काम में बिल्कुल देर मत करो। ठीक है, यही मशवरा लेना था तुझे। अब मैं बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। थैंक यू, बाय बाय। माया, माया, माया बेटा दरवाजा खोलो। जी दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? नहीं, आप फिक्रमंद मत हो, मैं फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगी। तुम इतनी देर तक क्यों सोती रही हो? सोई कहाँ हूँ, सारी रात जागती रही हूँ। तुम्हारा कमरा बंद था, मुझे लगा तुम सो रही हो। परेशान ना हो, ज्यादा मत सोचो। कैसे ना सोचूं,